back to my another video. So आज की वीडियो में आपको कुछ इजी एंड सिंपल ट्रिक्स बताऊंगी कॉफी पेंटिंग से रिलेटेड और हमेशा की तरह एक छोटी सी पेंटिंग भी बनाऊंगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आप भी इजी कॉफी पेंटिंग कर सके। तो मैंने यहाँ कॉफी लिया है और थोड़ा सा गर्म पानी। कॉफी पेंटिंग के लिए मैं यहाँ तीन शेड्स बनाऊंगी। तो पहले हम तीनों में थोड़े थोड़े कॉफी डालेंगे। लाइट शेड के लिए मैं थोड़ा गर्म पानी ज्यादा यूज करूंगी। गर्म पानी मिलाने से ये होता है कि मिक्स करते वक्त लम्स नहीं होंगे और काफी स्मूथली मिक्स हो जाएगा। इसी तरह मीडियम और डार्क शेड के लिए थोड़ा कम गर्म पानी यूज करेंगे। देख सकते हैं तीनों शेड्स रेडी है। तीनों के कलर्स काफी अलग अलग हैं। ये शेड काफी थोड़ा पतला है और थोड़ा लाइट शेड का है। अब मैं आपको इसे पेपर पे यूज करके दिखाती हूँ। काफी डिफरेंस है। तो इसी तरह से आप तीनों शेड्स इजीली बना सकते हैं, पर हाँ गर्म पानी जरूर यूज कीजिएगा जिससे आप कॉफी को इजीली मिक्स कर सकते हैं और उसमें लम्स भी नहीं आएंगे। अब मैं आपको एक छोटी सी पेंटिंग बना के दिखाऊंगी, तीनों शेड्स को अलग अलग तरीके से यूज करके दिखाऊंगी। मैंने यहाँ ब्रुस्टो आर्टिस्ट वाटर कलर पेपर लिया है, 300 GSM प्लस 25% कॉटन, मास्किंग टेप, ब्रुस्टो आर्टिस्ट ब्रश। इन तीनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं, आप इसे इजीली ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। मैंने यहाँ कॉफी के तीन शेड्स लिए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड कीप ऑन वॉचिंग। Thank you.
आपने देखा मैंने कैसे तीनों शेड्स को यूज किया, आप भी इसी तरह से कॉफी पेंटिंग बना सकते हैं। अगर आपको कॉफी पेंटिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस देखनी है देन प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने कुछ कॉफी पेंटिंग से पोर्ट्रेट और पेंटिंग्स बनाई है, इंस्टाग्राम पे आप चेक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।